हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अनिरुद्ध सिंह ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। शनिवार को मशोबरा के तलाई में आयोजित जन आशीर्वाद सम्मेलन में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इससे पहले शिमला के ऑकलैंड टनल से जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया, जहां से गाड़ियां और बाइक की रैली निकाली गई और जगह जगह विधायक अनिरुद्ध सिंह का स्वागत किया गया। तलाई पहुंचने पर विधायक अनिरुद्ध सिंह का लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। सम्मेलन का आयोजन कुसुमटी ब्लॉक महिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस द्वारा किया गया था, जिसमें पूर्व विधायक सोहनलाल, जिला परिषद सदस्य रीना कश्यप, सदस्य संतोष शर्मा सहित 16 बीडीसी, 20 प्रधान और 20 उप प्रधान मौजूद रहे। इस दौरान विधायक अनिरुद्ध सिंह ने जहां अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष रखा, तो वहीं भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के काम किया है और क्षेत्र का विकास करने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन सरकार विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने का ही काम करती आई है। उन्होंने कहा कि वह हमेशा क्षेत्रवाद की राजनीति से दूर रहे हैं और बिना किसी राजनीतिक द्वेष के उन्होंने विकास कार्य किया है। देखिए, साक्ष्य को प्रमाण जिसको बोलते नहीं चाहिए होता है। आप लोग सभी पढ़े लिखे, मतलब नौजवान है आजकल, हमारे आज के समाज में सब कुछ मोबाइल के ऊपर रहता है। कोई भी देख सकता है कितनी विधायक प्राथमिकता में सड़कें डली हैं, कितनी जो है उस नबार्ड से पास हुई हैं। अगर सरकार उसका भी श्रेय जो अपने को लेना चाहता है कि जी नहीं, ये भी हमने किया है, मैंने अभी फेसबुक पर देखा था, जो भी सोशल मीडिया जो है आज की डेट में झूठ का पुलिंदा जो है अधिकतर बन चुका है, कि हमने 200 करोड़ का काम करा लिया है, 300 करोड़ का काम करा लिया है। हमारी विपक्षी जो पिछली बारी भी हमारे खिलाफ लड़ी थी, उन्होंने एक ब्लॉक पंचायत में गई कि 33 करोड़ का मैंने इसी पंचायत में काम कर दिया है। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इन्होंने ना कभी विकास किया है ना इनकी क्षमता है विकास करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।